नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि लाखों कर्मचारियों के लिए आ गई है बड़ी खबर। सरकारी कर्मचारियों को मिला शानदार तोहफा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। पेंशन रूल में बड़ा हुआ बदलाव। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने पेंशन रूल में कौन सा बड़ा बदलाव किया है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे थे, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्र सरकार ने सरकारी महिला कर्मचारियों और महिला पेंशन भोगियों के हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह निर्णय उन परिस्थितियों से निपटने के लिए है जहां वैवाहिक कलह के कारण तलाक की कार्रवाई चल रही हो या घरेलू हिंसा या दहेज प्रतिवेद जैसे मामले दर्ज किए हों। CCS नियम 2021 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी के परिवार में पति पत्नी हैं तो पारिवारिक पेंशन पहले उन्हें को दी जाती है। बच्चे या अन्य परिवार के सदस्य तभी पारिवारिक पेंशन के पात्र होंगे जब पति या पत्नी अपात्र हो या उनकी मृत्यु हो चुकी हो। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग को विभिन्न मंत्रालय में ऐसे मामलों के संदर्भ मिले जिन्हें सलाह मांगी गई थी कि क्या वैवाहिक कलह के कारण तलाक की कार्रवाई चल रही है या फिर घरेलू हिंसा या दहेज प्रतिषेध आदि के तहत मामला दर्ज है तो क्या किसी सरकारी महिला कर्मचारी या महिला पेंशन भोगी को अपने बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामित करने की अनुमति दी जाती है। अंतर मंत्रालय परामर्श के बाद केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जिसके अनुसार यदि किसी सरकारी महिला कर्मचारी या फिर महिला पेंशन भोगी के संबंध में तलाक की कार्रवाई न्यायालय में लंबित है या अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा या दहेज या फिर भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज कराया है तो वह अपने मृत्यु के बाद अपने पात्र बच्चों को पारिवारिक पेंशन दिए जाने के लिए अपने पति के अलावा अपने बच्चों के लिए अनुरोध कर सकती है। सरकारी महिला कर्मचारी या पेंशन भोगी संबंधी कार्यालय प्रमुख को लिखित अनुरोध कर सकती है। किसी भी कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान उसकी मृत्यु होने पर या उसके परिवार में कि उसकी पत्नी या बच्चों को पेंशन का लाभ मिलेगा। इस संशोधन से सरकारी महिला और कर्मचारी पेंशन भोगियों को उनके अधिकारों से लड़ने में मदद मिलेगी और उनके बच्चों की देखभाल अच्छे से कर पाएगी। यह उनके आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएंगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।